नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया में बच्चों की न्यूनतम उम्र यानी कि कम से कम उम्र और अधिकतम उम्र यानी कि ज्यादा से ज्यादा उम्र कितनी होनी चाहिए, इस संबंध में मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि जब भी आप अपने बच्चे के दाखिले केंद्रीय विद्यालय में करवाने के संबंध में जानकारी पता करें तो सबसे पहले बच्चे की उम्र का हिसाब लगाएं। जिस भी शैक्षिक वर्ष में बच्चा दाखिला लेने जा रहा है उसके 31 मार्च पर रखकर बच्चे की उम्र का आंकलन करें। उदाहरण के तौर पर अभी हम बात कर रहे हैं शैक्षिक वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले की। इसका मतलब है जब आप बच्चे की उम्र का हिसाब लगाएंगे तो 31 मार्च 2022 पर रखकर लगाएंगे। साथ ही केंद्रीय विद्यालय संगठन ने उन बच्चों को छूट दी है जिनकी जन्मतिथि 1 अप्रैल है, यानी कि वह बच्चे जिनकी जन्मतिथि 1 अप्रैल है उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ जल्दी से उम्र का हिसाब। कक्षा पहली में दाखिले के लिए आपके बच्चे की उम्र 31 मार्च 2022 को 5 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, और जब हम अधिकतम उम्र की बात करते हैं तो वह 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। कब? 31 मार्च 2022 को। इसका मतलब यह है 5 वर्ष या फिर उम्र 6 वर्ष बच्चे की दाखिले के लिए होनी चाहिए 31 मार्च 2022 को, यदि आप अपने बच्चे का दाखिला कक्षा पहली में करवाना चाहते हैं। वह बच्चे जो 4 साल के हैं, वह बच्चे जो 7 साल के हैं, उन्हें कक्षा पहली में केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला नहीं मिल सकता है। अब बात की जाए कक्षा दूसरी की, तो कक्षा दूसरी में जो बच्चों का दाखिला होगा उनकी उम्र 31 मार्च 2022 को 6 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, और 8 से कम होनी चाहिए, यानी कि 6 और 7 वर्ष की उम्र के बच्चे कक्षा दूसरी में केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा तीसरी में दाखिले के लिए बच्चे की कम से कम उम्र 7 वर्ष होनी चाहिए 31 मार्च 2022 को, और 9 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी कि 7-8 उम्र के बच्चे केंद्रीय विद्यालय में तीसरी कक्षा में दाखिला प्राप्त कर सकते हैं। चौथी कक्षा में दाखिले के लिए 8 वर्ष से अधिक 10 वर्ष से कम, यानी कि 8 और 9 साल के बच्चे दाखिला प्राप्त कर सकते हैं कक्षा चौथी में केंद्रीय विद्यालय में। छठी कक्षा में 31 मार्च 2022 को बच्चे की उम्र 10 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, 10 वर्ष कम से कम तो होनी ही चाहिए, और 12 से कम होनी चाहिए, यानी कि 10 और 11 साल के बच्चे कक्षा छठी में केंद्रीय विद्यालय में दाखिला प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा सातवीं में 11 और 13 के बीच में बच्चे की उम्र होनी चाहिए 11 से अधिक 13 से कम 31 मार्च 2022 को। कक्षा आठवीं में दाखिले के लिए 12 से अधिक 14 से कम कब 31 मार्च 2022 को, और नौवीं में 13 से अधिक 15 से कम कब 31 मार्च 2022 को, और दसवीं में 14 से अधिक 16 से कम 31 मार्च 2022 को। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक जानकारी है जो मैं आप सभी के साथ बांटना चाहती हूँ, साझा करना चाहती हूँ, कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हमारा बच्चा दिव्यांग है, और दिव्यांग बच्चों को हम स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं, हमारा बच्चा स्पेशल चाइल्ड है और उसका दाखिला थोड़ा लेट करवाया था हेल्थ रीजंस की वजह से, मेडिकल ग्राउंड्स पर, तो क्या बच्चे को मैक्सिमम एज में अधिकतम उम्र में कोई छूट मिलेगी? तो जी हाँ, दिव्यांग बच्चों को अधिकतम उम्र में 2 वर्ष की छूट दी जा सकती है, और ऐसे मामलों में प्राचार्य यानी जिस भी केंद्रीय विद्यालय में बच्चे का दाखिला होना है वहाँ की प्रिंसिपल छूट दे सकती है। अब कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के उम्र दाखिले की उम्र के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में दाखिले के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा कोई उम्र की सीमा तय नहीं की गई है कि ये सबसे कम उम्र है, ये ज़्यादा उम्र है, अधिकतम यह है, न्यूनतम ये है। सिर्फ ये कहा गया है कक्षा 11वीं में बच्चा जब दाखिला लेगा तो उसी साल कक्षा 10वीं का रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए, यानी कि बीच में कोई अंतराल नहीं होना चाहिए, कोई गैप ईयर नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से कक्षा 12वीं में दाखिले के लिए कक्षा 11वीं का रिजल्ट उसी साल निकला होना चाहिए, फिर से कोई गैप ईयर नहीं होना चाहिए, यानी कि 11वीं और 12वीं में जो बच्चों के दाखिले होंगे वह कंटिन्यूएशन में बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो हो सकता है अगर बीच में गैप ईयर आ गया है तो बच्चे का दाखिला नहीं हो सकता है। तो यह है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि केंद्र विद्यालय दाखिला प्रक्रिया आप सभी के लिए मैं आसान बना दूंगी। पूरे देश के केंद्र विद्यालय के फॉर्म एक ही साथ निकलते हैं, फॉर्म कब निकलेंगे, उन्हें कैसे भरना होगा, किस प्रकार से आपको बाकी जानकारी के बारे में पता करना होगा, क्या क्या कागजात लगेंगे, सारी जानकारी मैं आपके लिए समय समय पर लेकर आ रही हूँ।
आप सभी से अपील करूंगी कि आप सबकी शिक्षा की वीडियोस को ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें। भारत के शिक्षा के क्षेत्र में उभरते इस चैनल के साथ जुड़े और अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएं। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।